अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। लगाते हैं बाबा महाकाल के चरणों में और सभी चलते हैं उज्जैन की ओर। वो संभक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त जनों के चरण पड़े तो भक्त जनों के चरण पड़े तो। अभी कुछ बताएं, अभी किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और किन क्या आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर? जिसमें मध्य प्रदेश पटवारी संघ का आह्वान पर पूरे प्रदेश को 3000 पटवारियों के साथ देवास जिले के समस्त पटवारी अपने 2800 की नगर मांग को लेकर आज दूसरे दिन यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। कल से हमारा धरना प्रारंभ हुआ है और हमारी अनिश्चितता की हड़ताल माननीय मुख्यमंत्री जो मिनिस्टर है उस संबंध में कि भगवान के हम हाजिर लगाकर के माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से अपनी आवाज पहुँचाएं। भगवान परमात्मा की आवाज सब सुनते हैं, भगवान परमात्मा के आदेश का मनन सब करते हैं। तो हमारा ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भगवान श्री राम के आदेश का मनन करते हैं, हमारी जो वेतन मान संबंधी मांग है उसकी जल्दी जल्दी पूर्ति करें। कब से आपकी हड़ताल शुरू हुई है, कब से हड़ताल शुरू की गई है? हाँ, हमारी हड़ताल है विभिन्न चरणों में अलग अलग चल रही है। सबसे पहले हमने 28-18 तारीख को पूरे जिले पर ज्ञापन किया था, उसमें 21-22 को हम लोगों ने शासकीय रूप से नियुक्त हुए थे। 23-24-25 को पूरे प्रदेश के पटवारियों के साथ हम लोग कांवर का अवकाश देते, इसके बाद 26 तारीख को पूरे प्रदेश के पटवारियों के साथ हमने तिरंगा यात्रा भोपाल में आंदा निकाली, जिसमें पूरे प्रदेश के 1000 पटवारी लोग शामिल हुए थे। उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तिरंगा प्रस्तुत किया था, आप हमारे विगत 25 वर्षों चली आ रही वेतन संगति की मांग को जल्द जल्द पूर्ण करें, लेकिन आज दिनांक तक उनका बंधन कोई भी उनका निर्णय नहीं हो पाया है, अतः मजबूरी में हमने हड़ताल में जाने का निर्णय लिया। जिले के कितने पटवारी टोटल हड़ताल? पूरे जिले के लगभग 400 पटवारी पूरे प्रदेश के 1000 पटवारी के साथ हड़ताल पर है और जब तक हमारी 2800 रेट पे जो मांग है चली आ रही है वो पूरी नहीं होती हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है धर्मेश चौधरी, जिला पटवारी संघ।